हरियाणा विधानसभा चुनाव पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर व जजपा के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने हाथ मिलाकर हरियाणा की राजनीति में अन्य दलों को चुनौती देने का दावा किया है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए अशोक तंवर ने दावा किया कि मिलकर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, जबकि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब राजनीति में काफ़ी बदलाव आएंगे। तंवर ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सभी पार्टियों के ऑफर मिले थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की सलाह से उन्होंने जजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। आज बड़े भाई अशोक तंवर जी का जो साथ प्रदेश के अंदर हमें मिलेगा, राजनीतिक तौर पर एक बड़ी करवट लेने का काम भी करेगा। और जिस तरीके से हरियाणा बदलाव चाहता है, मैं तो हमेशा कहता भी आया हूँ कि हरियाणा प्रदेश का 56% वोटर आज 45 साल की आयु से नीचे है, और उस 56% की आवाज़ को उठाने वाला ना बीजेपी में कोई है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं अशोक जी ने प्योद तैयार करी थी, नर्सरी बनाई थी, जो नेक्स्ट जनरेशन यूथ को आगे लेकर आ रही है। मगर जो वाक्या पिछले एक महीने में हुआ, उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस ने अपनी उस नर्सरी को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अशोक जी ने जो निर्णय लिया, मैं मानता हूँ कि बहुत कम राजनीतिक लोग हैं जो तो अपने पॉलिटिकल लाइफ में संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, और आज उस संघर्ष के रास्ते के अंदर जहाँ मैं कहूँगा बड़े भाई के तौर पर मेरे साथी बनकर पूरे प्रदेश, और आज कुछ लोगों ने उस बार बार को उजाड़ दिया, मगर आज उस युवा को हम मिलकर ताकत दे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं शक्ति के साथ एक और एक 11 की ताकत बनाकर आगे ले जाने का काम करें। बाकी इसके बारे में ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार ना सरकार को है, ना व्यक्ति को है, ना किसी पार्टी को। अर्थ प्रकाश के लिए दिल्ली से नरेश वत्स की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।